हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मीटू 12 ऑडी टैबलेट के बारे में। ये कि प्रिस्क्राइब दवा है, इसको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। सिस्टोपिक लैब्स द्वारा निर्मित एक ये टैबलेट है। ये एक स्ट्रिप में आती 15 टैबलेट और इसका MRP 135 रुपीज़। ये हर कोई मेडिकल स्टोर में ईजिली मिलने वाली दवा है। सो गाइज, आज की वीडियो में हम जानेंगे ये दवा को क्यों लिया जाता है, किस काम आती है ये दवा, इसका क्या डोज है, इसको कब और कैसे लेना है, डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हमें वीडियो के अपडेट आपके पास पहुंचे रहे। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फायदे के बारे में और इसको क्यों लिया जाता है। तो मीटू 12 ओडी टैबलेट जो है एक विटामिन सप्लीमेंट है, एक तरह का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। इसका यूज तब किया जाता है जब शरीर में न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी हो, जब शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है, जो अक्सर हमें हमारे खान पान से पूरे नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसको पूरा करने के लिए दवा को लिया जाता है। इसका यूज विटामिन B6, B9, B12 को कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये टैबलेट एनीमिया के इलाज में भी काम आती है। अगर आपको खून की कमी हो तब भी इसका यूज किया जाता है। ये RBC का निर्माण करता है जिससे बॉडी में नया खून बनने लगता है। ये शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है। अगर शरीर में थकान, कमजोरी, आलसपन हो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा ये शरीर के नर्व सिस्टम के फंक्शन को सही से रखने में भी हेल्प करता है। किसी को नसों की कमजोरी के कारण हाथ पाँव में झंझनाहट, सुन्नपन रहता है या फिर पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो गाइज, बात करें इसके डोज की तो ये टैबलेट को जो है डॉक्टर के रिकमेंड डोज के अनुसार ही लिया जाता है। नॉर्मल डोज है इसका एक टैबलेट पर डे आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद किसी भी टाइम आप इसे ले सकते हो। अगर प्रेग्नेंट लेडीज या लैक्टेटिंग मदर लेना चाहते हो तो डॉक्टर की सलाह से ही ले। बात करिए इसके साइड इफेक्ट की तो नॉर्मली इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर डोज से ज़्यादा ले लेते हैं या फिर किसी को सूट ना करे तो कब्ज की शिकायत हो सकती है, उल्टी, दस्त की समस्या हो सकती है, अदरवाइज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरे से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी भी अच्छी लगी हो। अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।